ये है BMW की डिस्प्ले की। अब ये जो डिस्प्ले की है वो है इस BMW 530i की। ये 530i M Sport पैकेज वाला वेरिएंट है, तो इस गाड़ी की जो कीमत है वो है 64,49,000 रुपये। हालांकि ये स्टैंडर्ड मॉडल है, और जो टॉप मॉडल है वो जाता है 74,49,000 रुपये एक्स शोरूम तक। अब ये भले ही बेस मॉडल है, लेकिन बेस मॉडल के साथ भी आपको डिस्प्ले की मिलती है अगर आप 50,000 से 60,000 रुपये अतिरिक्त कंपनी को पे करते हैं। अब इसका क्या काम है, देखो ये बेसिकली ना एक टेक इनसाइड वीडियो है, यानी कि गाड़ी में किस तरीके से टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती है वो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो बात करते हैं इस डिस्प्ले की से। अब ये जो डिस्प्ले की है इसमें बेसिकली छोटी सी स्क्रीन देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको कई सारी जानकारियाँ देखने को मिल जाती है, खासकर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन। लॉक कर दूंगा तो ये सिक्योर्ड हो जाएगी, यानी कि क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर व्हीकल इन्फॉर्मेशन में ओके है, लाइट ऑफ है। इसके अलावा रेंज कितनी है, यानी कि रेंज कितनी दिखा रहा है टैंक में, 387 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ये आपको प्री कंडीशनिंग सेटिंग, यानी कि अगर आपको AC ऑन करना है पहले ही, तो वो आप कर सकते हो। और यहाँ पर ये रिमोट कंट्रोल पार्किंग। अब ये बेसिकली काम क्या करता है, बेसिकली इस की का, यानी कि इस डिस्प्ले की का काम यही है। अब आप यहाँ पर देखो, ये देखो पहले ऑन ऑफ कहाँ से होती है, यहाँ से ऑन ऑफ होती है, यानी कि आप इसे वायरलेस चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, BMW में जो वायरलेस चार्जर है, और यहाँ से इसे ऑन कर सकते हैं और यहीं से इसे ऑफ भी कर सकते हैं इस डिस्प्ले की को। हालांकि ऑन ऑफ करने के बाद भी यहाँ से आपके जो कंट्रोल्स हैं ऑफ और लॉक और अनलॉक, ये काम तो करता है, बूट भी ओपन हो जाता है, लेकिन अभी ये ऑन है। तो ऑन होके क्या काम कर सकती है कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से पहले हम इस गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लेते हैं, यानी कि एक्टिवेटिंग रिमोट कंट्रोल पार्किंग। तो पहले अब गाड़ी का हो जाएगा इंजन स्टार्ट, यहाँ अब ओके कर देते हैं। रिमोट कंट्रोल पार्किंग कैन नॉट एक्टिवेट, मूव क्लोजर टू द व्हीकल। ओके, तो मतलब हमें इसके थोड़ा सा पास जाना पड़ेगा। अब गाड़ी के थोड़ा सा पास आ गए हैं, अब यहाँ आ गया इंजन स्टार्ट, तो यहीं से हम इंजन स्टार्ट कर देंगे। गाड़ी का हो चुका इंजन स्टार्ट, जैसे कि आपको दिख गया है लाइटें जल गई हैं गाड़ी की। अब इस रिमोट के जरिए ना, यानी कि इस डिस्प्ले की के जरिए आप इस गाड़ी को टाइट स्पेस में, यानी कि जहाँ पर पार्किंग में बहुत टाइट स्पेस है वहाँ पर आप इस की हेल्प ले सकते हैं। अब जैसे मुझे गाड़ी को आगे लेना है, तो ये देखो गाड़ी किस हिसाब से आगे आ गई है और ये रुक गई है। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर मैं गाड़ी के आगे खड़ा हूँ तो ये सेंस कर लेगी और बता देगी कि भैया गाड़ी के आगे अब स्पेस नहीं बचा है, यानी कि आप इधर की में देख सकते हैं, और यहीं से ही आप इस गाड़ी को पीछे भी ले जा सकते हैं। बाकी इस गाड़ी का जो इंजन है वो भी यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हो, जैसे कि ये स्टॉप हो चुका है, अब देख सकते हो। बाकी इसमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हो, और अगर वायरलेस चार्जर से ये चार्ज नहीं हो रही है तो यहाँ पर आपको ये माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है, जिसके चलते आप इसे उससे भी चार्ज कर सकते हो। अब चलते हैं BMW 530i के अंदर और देखते हैं वहाँ पर क्या फीचर्स, यानी कि क्या टेक्नोलॉजी इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखने को मिलती है। BMW 530i यानी कि 5 सीरीज में आपको यहाँ पर 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि टच के साथ तो आता है, साथ ही यहाँ पर बटन्स वगैरह भी दिए गए हैं, जिसके चलते काफ़ी बढ़िया काम करता है। अब ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये लेटेस्ट BMW iDrive टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और देखा जाए बेस्ट इन क्लास ये आपको फील कराता है अगर आप इसे यूज़ करते हो। खैर, अब पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं अगर आप यहाँ से देखते हो, यानी कि यहाँ पर आपको मीडियाज़ वगैरह देखने को मिल जाते हैं, कार की इन्फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिल जाती है, यानी कि ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन, व्हीकल स्टेटस, एयर प्रेशर मॉनिटर, इंजन ऑयल लेवल चेक, कंट्रोल मैसेजेस, सर्विस रिक्वायरमेंट्स, ये जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम फिर से जाते हैं तो यहाँ सेटिंग्स में आप आते हो तो यहाँ पर जनरल सेटिंग्स, ड्राइविंग मोड्स, यानी कि अगर आप ड्राइविंग मोड्स देखते हो तो ये जो ड्राइविंग मोड्स हैं स्पोर्ट, इंडिविजुअल, ड्राइविंग मोड्स का जो हिसाब किताब है वो आपको यहाँ पर बटन पे भी देखने को मिल जाता है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये एक्सटीरियर लाइटिंग यहाँ से आप सेट कर सकते हो, अगर आपको एक्सटीरियर लाइटिंग सेट करनी है। ड्राइवर असिस्टेंस, यानी कि पार्किंग और मनूवरेबिलिटी किस तरीके से आपको यूज़ करनी है, जो सिग्नल्स हैं उसका वॉल्यूम बढ़ाना है, यानी कि अगर पार्किंग वाला जो आपको ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये बेसिकली
जब हम पार्क कर रहे होते हैं ना गाड़ी, उस टाइम पर आवाज़ आती है कि आगे पीछे कोई या साइड वाइड में कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो उसका वॉल्यूम भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। इसके अलावा एक्टिव पीडीसी, इमरजेंसी इंटरवल, पार्क असिस्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और डिस्प्लेज में आप आते हो तो यहाँ पर जो ड्राइविंग मोड्स की, यानी कि ये देखो स्पोर्ट पे आपको जो डिस्प्ले इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की देखने को मिलती है वो आपको ऐसी देखने को मिलेगी, कम्फर्ट पे आपको ऐसी मिलेगी और इको प्रो पर आपको ऐसी मिलेगी, यानी कि यहाँ का ये जो डिस्प्ले है वो चेंज हो जाता है जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का है। अब चलते हैं पीछे की तरफ, ड्राइवर्स प्रोफाइल। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, अभी ये कुछ भी सेट किया हुआ है, और आप अपने स्मार्टफोन के जरिए भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दे रहा हूँ, ज़्यादा कनेक्ट करके ज़्यादा चीज़ें दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में जो मेन मेन चीज़ें हैं वो दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके से देखने को जाता है, कीवर्ड पिक्चर्स सर्च वगैरह, क्योंकि ओनर्स हैंडबुक है। अब यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बाकी ये आपने देख ही लिया है। फिर ऐप्स पे आते हैं, ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, ये बेसिकली वायरलेस, यानी कि वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो इसमें मिलता है। आप अपने आईफोन का ब्लूटूथ ऑन करो, ब्लूटूथ के जरिए से कनेक्ट करो, फिर उसके बाद ये कनेक्ट हो जाता है, यानी कि जो इंस्टॉल्ड ऐप्स वगैरह है वो, जैसे एप्पल कारप्ले ये है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसे कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो आप इसके लिए यहाँ मीडिया में जाएंगे, मीडिया में जाके ये मोबाइल डिवाइसेस में, फिर जैसे कि मेरा अंकित आईफोन, यानी कि मेरा आईफोन कनेक्ट है, तो मैं यहाँ से इसे कनेक्ट कर लूँगा। अब ये मेरा एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो चुका है, तो अब ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। ये मेरे को दिखेगा कहाँ, तो ये नीचे एप्पल कारप्ले में मैं आऊँगा, तो यहाँ पर अंकित आईफोन यानी कि मेरा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। और मुझे, जैसे कि मैं बैक में जाता हूँ, फिर यहाँ पर ये तीन चीज़ें आती हैं, फिर यहाँ पर आप स्क्रीन मिररिंग, आप अपने फ़ोन की स्क्रीन मिररिंग भी इसमें कर सकते हो। अब एप्पल कारप्ले में चला गया, अब ये जो चीज़ें हैं एप्पल कारप्ले से रिलेटेड जो कि आपको हर इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखने को मिलती है जब आप एप्पल कारप्ले अपने फ़ोन से यानी कि आईफोन से कनेक्ट करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब मैं दिखाता हूँ इसमें मिलने वाले ड्राइव मोड्स। यहाँ पर देखो चार मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट, कम्फर्ट, इको प्रो और अडेप्टिव। तो स्पोर्ट पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, फिर कम्फर्ट पर इस तरीके से, फिर इको प्रो पे इस तरीके से, और अडेप्टिव पे इस तरीके से। इसके अलावा अगर आप रिवर्स मोड पर लगाते हो तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री पार्किंग व्यू देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा। तो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। रात के समय थोड़ी सी परेशान करती है, लेकिन हाँ दिन के समय में क्लैरिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसी में ही ना आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखो पार्क असिस्ट लिखा हुआ है, रिवर्सिंग असिस्टेंट लिखा हुआ है, कैमरा पिक्चर और सेटिंग। कैमरा पिक्चर यानी कि आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह, कॉन्ट्रास्ट वगैरह ज़्यादा करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, यानी कि आपको जो कैमरे वगैरह की जो सेटिंग वगैरह करनी है। रिवर्सिंग असिस्टेंट, ये बेसिकली जो फीचर है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है। आपको BMW की जो 2 सीरीज़ है उसमें भी मिलता है, 3 में भी मिलता है, 5 में मिलता है, 6, मतलब BMW की हर सेडान में आपको ये फीचर देखने को मिलता ही है, अब तो SUV में भी है। खैर, रिवर्सिंग असिस्टेंट काम कैसे करता है, अब यहाँ से मैंने ये ऑन कर दिया और ये हो गया यहाँ पर लॉक। अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले इसे हटा देता हूँ। अब ड्राइव मोड पे लगाया, गाड़ी को मैंने 50 मीटर तक ऐसे घुमाया, उसके बाद आपने देखा, फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, लगभग 50 मीटर, ठीक है। अब मैंने लगाया ऐसे रिवर्स मोड पर, अब यहाँ से कर दिया रिवर्सिंग असिस्टेंट ऑन। ये देख रहे हो आप, अपने आप स्टीयरिंग घूम चुका है, और ये जिस हिसाब से मैं 50 मीटर आगे आया था ना आपके सामने, अब ये उसी हिसाब से ये पीछे कर लेगी। ये देखो किस तरीके से ये पीछे कर रही है अपने आप, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो ये कमाल का फीचर है। इसके अलावा पार्क असिस्ट, यानी कि ये काफ़ी हेल्पफुल है अगर आपको पार्किंग स्पेस चाहिए, आपको बता दें कि हाँ भैया यहाँ पर पार्किंग स्पेस वगैरह है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया काम करता है। ओवरऑल BMW 530i में जो फीचर्स हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो बाकी सेगमेंट में दूसरी गाड़ियों से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि BMW 530i की हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्या मिलता है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, और सबसे खास बात ये डिस्प्ले की काम कैसे करती है, इस बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर ये वीडियो शेयर करें।